वेलकम बैक टू रॉयल कंस्ट्रक्शन। कल की वीडियो में आपने देखा होगा एक्सकवेशन के बारे में। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा सोलिंग के बारे में, सोलिंग क्यों करते हैं, उसका स्टैंडर्ड साइज क्या है। वीडियो पूरा देखना बिना स्किप करें। इंजीनियर से एक बात का और ध्यान रखना कि अगर आपकी फुटिंग का साइज़ है 1200 बाय 1200 तो आपको 500 या 800 एक्स्ट्रा ही एक्सकवेट करवाना है, ताकि जब आप आदमी उतरेगा नीचे सोलिंग करने, पीसीसी करने, शटरिंग होगी इधर, तो उसको तकलीफ नहीं होगी। इसीलिए कभी भी प्रॉपर साइज़ का मत करवाना, हमेशा एक्स्ट्रा करवाना। और ये पानी आना नॉर्मल है, आप भी एक्सकवेट कराओगे आपको पानी मिल ही जाएगा, ये तो फिर भी कम है। अगर ज़्यादा पानी ना हो तो आप ऐसे बाल्टी से भी पानी निकाल सकते हो, आप देख लीजिए। ज़रूरी नहीं है मोटर लगाना, आप ऐसा मैनुअली भी आदमी लोग के साथ पानी निकलवा सकते हो। आप देख सकते हो सोलिंग लगाई जा रही है, लेकिन ये प्रॉपर तरीका नहीं है। प्रॉपर तरीका मैं आपको बताता हूँ किस तरह। सबसे पहले एक्सकवेट करने के बाद जो भी ऐसा लूज मटेरियल रहेगा उसको पहले बाहर निकाल लो, उसके बाद सोलिंग लगाना है। सोलिंग लगाने का तरीका मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कैसा। अभी मेरा आदमी नीचे उतरेगा लेबर, वो किस तरह सोलिंग लगाएगा मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। सोलिंग करने से पहले सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो है प्रिपरेशन ऑफ सरफेस। आप देख सकते हो ये फावड़े से लूज मटेरियल जितना भी है वहीं पर स्प्रेड कर रहा है, या फिर बाहर निकाल दो, बेहतर है आप बाहर निकाल दो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके गड्ढे में एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप वो भी करवा सकते हो। अब आप देखो सोलिंग का स्टैंडर्ड साइज़ रहता है 230 mm। आप इस पर बड़े पत्थर भी देख रहे हो, छोटे भी देख रहे हो, लेकिन अगर स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें तो 230 mm रहता है। अब इंजीनियर साहब देख सकते हो किस तरह हेल्पर ने सोलिंग लगाई है। ये बिल्कुल गलत तरीका है। सोलिंग कभी भी ऐसा खड़े लगती है, लार्जर पार्ट नीचे रहता है और पॉइंटर पार्ट ऊपर रहता है। फिर उसके बाद जो उसके बीच में जो पॉइंट गैप बच जाता है वॉइड्स, उसके बीच में आप ऐसे छोटे छोटे पत्थर डाल सकते हो। फिर भी अगर ऐसे जगह बाकी रहती है तो वहाँ आप ग्रिड पाउडर या क्रेसेंट स्प्रिंकल कर सकते हो, उसके बाद आप रोलर चलाओगे। लेकिन यहाँ पर ठेकेदार ने सोलिंग ही गलत लगाई है। कुछ ठेकेदार घर नई कब्र बनाते, जीता जाता एग्जाम्पल है आपका। अब आप सोलिंग लगाने का सही तरीका देख लो। पॉइंटर पार्ट ऊपर है, लार्जर पार्ट नीचे। यहाँ पर जितने भी पत्थर है आप देख सकते हो सब में लार्जर पार्ट नीचे और पॉइंटर पार्ट ऊपर है। फिर जो गैप बचता है उसमें आप ऐसे पत्थर के छोटे छोटे पीसेस डाल सकते हो, फिर ग्रिड पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हो। आप सारे देख लो, सारे। ये बहुत बड़ा पत्थर था इसलिए ऐसा रखा गया है, आप देख सकते हो। सोलिंग में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 230 mm 300 mm का बड़े बड़े पत्थर ही डालें। कई जगह आपने देखा होगा कि 40 mm 50 mm 60 mm के छोटे छोटे स्टोन डाले जाते हैं, मेटल नंबर 3 या 4 बोल लो जिसको, जो आपने रेलवे की पटरी पे भी देखा होगा जो स्टोन कई जगह एक्सकवेशन के बाद वो भी डाले जाते हैं। इसलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वो डाल रहे हो 3-4 इंच वो डालना पड़ेगा। इससे अच्छा आप, मेरी राय है कि आप बड़े बड़े पत्थर ही डालो सोलिंग के। अब आप देख सकते हैं अगर आपको अर्जेंट में आपके पास पत्थर नहीं है और अगर आपको अर्जेंट में सोलिंग करना है तो आप ऐसे ब्रिक के पीसेस लेकर भी आप वहाँ पर स्प्रेड कर सकते हो सोलिंग की जगह, फिर आप रोलर चलवा दो। सोलिंग के बाद मेरी साइट पे पीसीसी का काम हो रहा था, लेकिन पीसीसी की कंप्लीट डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे कुछ दिनों में मिल जाएगी। खाली इतना बताता हूँ, पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट पीसीसी का रेशियो है 1:3:6 और पीसीसी क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि आरसीसी फुटिंग को एक अच्छा बेड मिल जाए और वो सॉइल के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ जाए। इसीलिए हम बांधकाम करने से भी, ब्रिकवर्क करने से भी पहले पीसीसी प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो डायरेक्ट सॉइल के कॉन्टेक्ट में नहीं आए और ताकि आरसीसी फुटिंग को एक रिजिड इम्परवियस बेड मिल जाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हम सोलिंग क्यों यूज़ करते हैं पीसीसी के नीचे। आपने रेलवे ट्रैक पे ट्रेन चलते हुए देखा होगा, ट्रेन के नीचे दो ट्रैक के बीच में आपने स्लीपर देखा होगा, वाइट जो रहते हैं ज़्यादातर, उसके आसपास जो स्टोन रहते हैं वो स्टोन क्यों लगाते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उससे आप समझ जाओगे कि सोलिंग क्यों लगाते हैं और मैं क्या समझा रहा हूँ आपको। जो लोड आ रहा है वो स्टोन पहले अपने ऊपर रेजिस्ट करके स्लोली सॉइल पर ट्रांसफ़र करता है, डायरेक्ट लोड नहीं आता सॉइल पर। तो पहले जो कॉम्पेक्शन होता है, जो वाइब्रेशन जो होती है ट्रेन चलने से, जो कॉम्पेक्शन होता है वो पहले स्टोन अपने ऊपर रेजिस्ट करता है फिर ट्रांसफ़र करता है सॉइल पर। तो पीसीसी के नीचे भी सोलिंग करने का यही तरीका है। सोलिंग इसीलिए करते हैं ताकि जो लोड आ रहा है वो पहले सोलिंग के ऊपर आ जाए, सोलिंग रेजिस्ट कर ले लोड,
और हम कैसा करते हैं, एक्सकवेशन के बाद लूज मटेरियल निकाल देते हैं, सोलिंग लगाते हैं, फिर उसके ऊपर पानी छोड़ के कॉम्पैक्ट करते हैं वाइब्रेटर से, इसलिए वो ऑलरेडी कॉम्पैक्ट रहते हैं, इसलिए फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ता बिल्डिंग में। और ना ही आपने कभी पटरी तबरी ये देखा होगा, क्योंकि कॉम्पेक्शन अच्छी तरीके से हो जाता है, पहले ही सॉइल पर ही अच्छी तरीके से कॉम्पेक्शन हो जाता है, इसलिए कभी भी कोई भी स्ट्रक्चर फेलियर नहीं होता, ग्राउंड के अंदर नहीं चले जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ वाई वी प्रोवाइड सोलिंग बिलो PCC, टू इन्हेंस और टू इंक्रीज द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल वेयर हार्ड स्टाटा इज नॉट अवेलेबल। आपने बहुत बार देखा होगा कि डायरेक्ट PCC कर देते हैं, ना नीचे चिपिंग्स है, ना सोलिंग है, ना ब्रिक के टुकड़े हैं, ना ही कोई अलग तरीके का मटेरियल है। वो इसीलिए क्योंकि उनकी जो सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी है वो बहुत हाई थी, इसीलिए वो लोग प्रोवाइड नहीं करते। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।